दरबार की है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। माँ भगवती का जहाँ जागरण होता है हनुमान जी पहरा देते हैं, जहाँ पर भगवान की कथा होती है हनुमान जी पहरा देते हैं। आइए सर्वप्रथम जो है हनुमान जी को अपने घर बुलाते हैं, हनुमान जी का आवाहन करते हैं। एक हरियाणा का भगत था, बालाजी जाया करता था। आज उस भगत ने कहा कि नहीं बाबा, मैं नहीं, अब तो तैने ही मेरे घर पे आना होगा। किस प्रकार से अर्जी लगाई, आइए जो है वो तैने एक बेर आना होगा। बाबा लाल लबोटे लगोटे आड़े, बाबा लाल लगोटे बाबा मोटे छोटे आड़े, बाबा मोटे छोटे आड़े तेरे एक बेर आना होगा। बाबा लाल लगोटे आड़े तेरे एक बेर आना होगा। बाबा देखो एक बात बता देता हूँ, भक्तों की गिनती नहीं होती है, हमें सुनने वाले जो है ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं और माँ भगवती स्वयं विराजमान हैं। हम गाते हैं तो ये नहीं देखते कि कितने लोग बैठे हुए हैं। कभी भी आप कीर्तन में माँ भगवती के जागरण में बैठें तो साफ होकर के नहीं बैठें, हाथों से ताली बजाएं। क्यों? इसका कारण है बहुत बड़ा। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कछुतान, और मुख पवित्र जब होए है बोलो राधे श्याम। जब तक आप हाथों से ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि एक बार कलयुग ने भगवान से पूछा कि प्रभु मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी आपके गुणगान करूं, लेकिन आपके नाम की महिमा आपके नाम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि मैं दूर दूर तक फैल नहीं पाता हूं। तब भगवान ने कलियों को आशीर्वाद दिया कि देखो जो कौन होकर के ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं ना, तो उनके मुख में जाकर के बात करो। इसीलिए जब जयकारा लगाएं तो जोर से जयकारा लगाना चाहिए और हाथों से ताली मधुर मधुर ताली बजानी चाहिए। कलयुग और पाप तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पग पवित्र तीरथ गवन कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र जब होए है तो बोलो राधे तेने एक बेर आना होगा। बाबा लाल लबोटे तेने एक बेर आना होगा। हो जोत जगाऊं देसी घी की जोत अरे दाल चूर मां भोग लगाऊं, दाल चूर मां भोग बाबा दाल चूर मां भोग लगाऊं, दाल चूर मां तेने भोग लगाना होगा। लाल लगोटे आड़े तेरे भोग लगाना होगा। बाबा लाल लगोटे आड़े तेरे एक बेर आना होगा। बाबा लाल लगोटे
दूर दूर से दुखिया मैं दूर दूर से दुखिया दूर दूर से दुखिया मैं दूर दूर से दुखिया तेरी जय जयकार मना मैं तेरी जय जयकार मना तेरी जय जयकार मना मैं तेरी जय जयकार मना तेरे कष्ट मिटाना अतुलित बल धाम हे मुसे लाभ देहं धनुज वर प्रसानं ज्ञानिनां सकल गुण निधानं बाण राणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं मातुजातं नमामि रघुपत प्रिय भक्तं मातुजातं